डे फ्रेंड्स, मैं हूं आशी। वेलकम है आपका मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं कॉफ़ी। वैसे तो ये कोई रेसिपी नहीं है, पर मैंने इसमें जो तरीका बताया है कॉफ़ी बनाने का, अगर आप इस तरीके से कॉफ़ी बनाते हैं तो आपकी कॉफ़ी बहुत अच्छी बनेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कॉफ़ी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच कॉफ़ी ली है, दो बड़े चम्मच चीनी ले लेंगे, एक छोटा चम्मच कोको पाउडर, ये ऑप्शनल है स्प्रिंकल करने के लिए, आधा कप पानी, एक कप दूध ले लेंगे और ये लास्ट में एक इलायची। तो गैस ऑन करके कोई भी आप बर्तन चढ़ा लें जिसमें आप कॉफी बनाएंगे। अब पानी डाल देंगे, हाई फ्लेम पे पानी को अच्छे से गर्म कर लें। अब ये कॉफी डाल देंगे। कॉफी को हमें पानी के साथ तब तक बॉईल करना है जब तक ये पानी आधा नहीं हो जाता। तो अब ये पानी आधा हो चुका है, अब इसमें दूध डाल देंगे। दूध फ्रिज से निकाल के ना यूज करें, या तो आप उसे गर्म कर लें पहले थोड़ा, तभी इसमें डालें। इसमें ये हम चीनी मिला देंगे। और ये इलायची, अब हम इसे 5 मिनट तक बॉईल करेंगे। आप बॉईल करने के प्रोसेस में ऐसा कर सकते हैं कि आप फ्लेम को हाई और लो करते रहें, इससे जो कॉफी का टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आता है। 5 मिनट हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कॉफ़ी हमारी बिल्कुल रेडी है, क्योंकि ये थिक होने लगी है। गैस का फ्लेम अब इस टाइम पर बंद कर दें। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। किसी भी मग या कप में आप इसे सर्व करें। छलनी से मैं इसलिए छान रही हूँ क्योंकि हमने इसमें इलायची डाली है, तो इसलिए वो ना आए। तो ये इजी कॉफ़ी बन चुकी है। बहुत ही आसान रेसिपी है ये कॉफ़ी की। आप इस पैटर्न से ये कॉफ़ी बनाएं, ये बहुत अच्छी बनती है, पीने में आपको बहुत अच्छी लगेगी ये। तो देखा आपने, हमने बिना किसी एफर्ट के इस कॉफ़ी को कितना अच्छा बना लिया। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें। आप मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।